आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। विधायक गंधवानी और पूर्व मंत्री उमंग सिंघार के विरुद्ध धारा 306 का प्रकरण दर्ज होने के विरोध में कांग्रेस जनों ने राज्यपाल के नाम दिया तहसीलदार को ज्ञापन। कुछ दिनों पूर्व सोनिया भारद्वाज नाम की महिला के द्वारा पूर्व मंत्री उमंग सिंघार के बंगले पर भोपाल के शाहपुरा में स्थित फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई, जिसके बाद मध्य प्रदेश की सियासत तेज हो गई और सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उमंग सिंघार पर महिला को प्रताड़ित और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाना शुरू कर दिया, किंतु कांग्रेस ने इसे राजनीतिक षड्यंत्र मानकर अपने विधायक उमंग सिंघार से स्पष्टीकरण दिलवाया, जिसमें विधायक उमंग सिंघार के द्वारा कहा गया कि अगर इस प्रकार के प्रकरण में सियासत हो रही है तो सियासत का जवाब सियासत लड़ाई से ही दिया जाएगा। सारे प्रकरण को झूठा करार देते हुए कांग्रेस जनों ने अपने विधायक उमंग सिंघार का बचाव किया और उस स्टेटमेंट का हवाला दिया जिसमें सोनिया भारद्वाज के बेटे आर्यन के द्वारा कहा गया कि मेरी मां सोनिया को किसी प्रकार से उमंग सिंघार जी द्वारा प्रताड़ित नहीं किया जाता था और तो और हम इस रिश्ते से खुश थे और साथ ही कुछ दिनों बाद उमंग सिंघार और मेरी मां सोनिया भारद्वाज शादी करने वाले थे। अचानक मेरी मां ने यह कदम क्यों उठाया हमें नहीं मालूम। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के द्वारा झूठा प्रकरण शाहपुरा थाने में धारा 306 में दर्ज करवाया गया, ये कहना है कांग्रेस जनों का। साथ ही साथ इस विषय को लेकर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता राधेश्याम और ओम सोलंकी के नेतृत्व में मनावर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा आज राज्यपाल के नाम तहसीलदार मनावर चंद्र सिंह धारवे को ज्ञापन दिया गया और कहा गया कि इसमें धारा 306 के झूठे प्रकरण को निरस्त किया जाकर उमंग सिंघार को क्लीन चिट दी जाए। इस अवसर पर किसान कांग्रेस के नेता राजेश पवार, हरीश खंडेलवाल, आशीष मुकेश श्रीधर पाटीदार, योगेश जखवी, संग्राम चिखली, सैयद रिजवान अली, रविंद्र पाटीदार, अशफाक बबलू आदि नेता उपस्थित थे जो ज्ञापन में सम्मिलित हुए। मनावर से कौशिक पंडित की रिपोर्ट। हाल ही में उमंग सिंघार जी के भोपाल स्थित बंगले में सोनिया भारद्वाज नाम की महिला ने आत्महत्या की, उन्होंने एक सुसाइड नोट जारी किया, उसमें कहीं भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उमंग सिंघार जी का नाम नहीं लिया गया। उनके पुत्र द्वारा भी स्पष्ट माननीय मुख्यमंत्री जी और मध्य प्रदेश के मीडिया और एसपी के सामने अपने बयान में स्पष्ट बोला है कि हम किसी भी कंडीशन में उमंग सिंघार जी के ऊपर शक नहीं कर सकते। पूर्व मंत्री उमंग सिंघार जी पर जो FIR हुई है उसके बारे में क्या कहना है आपका? मैं ये कहना चाहूँगा कि FIR जो है वो गलत की गई है इस वक्त, और मैं सरकार से बोलूँगा कि FIR वापस ली जाए, क्योंकि अभी मम्मी के जाने के बाद अभी हुई है मेरे गाड़ी में, तो मैं चाहूँगा FIR वापस ले सरकार, क्योंकि हमने भी अपने बयान में कहा था कि उनका दोष नहीं है कोई और हमें किसी प्रकार का कोई शक भी नहीं है उन पर, ना मुझे है ना मेरी नानी को है, तो कृपया करके इस वक्त इतना परेशान ना किया जाए और FIR वापस ले।